इधर पे अगर आप एक एफिलेट ब्लॉग रन करते हो या फिर एक गूगल एडसेंस वाला ब्लॉगर रन करते हो तो उसको रैंक कैसे करते हैं, इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। एंड कैसे करके मैं अपने आर्टिकल्स को रैंक करता हूँ, ठीक है। मैं मतलब आपको बताऊँ कि आर्टिकल कैसे लिखते हैं, फिर उस आर्टिकल को प्रमोट कैसे करते हैं, फिर उसके लिए बैकलिंक्स कैसे बनाते हैं। मतलब ये तीनों चीज़ें मैं एक ही वीडियो के अंदर सिखाने वाला हूँ। एंड इधर पर सबसे पहले तो आपको अपना मेन कीवर्ड लेना होगा। अब वो जो मेन कीवर्ड आप लोगे वो आपको अच्छे से गूगल से ढूंढना है, गूगल के सजेशन से ढूंढना है, और आप कैसे ढूंढ सकते हो वो भी मैं आपको बताऊंगा। और अगर आपके पास अच्छे खासे कीवर्ड रिसर्चिंग टूल है तो आप अपने कॉम्पिटिटर्स को भी देख सकते हो और उनके कीवर्ड्स को भी स्नैच कर सकते हो। तो जल्दी से जानते हैं कि आप कैसे करके एक अच्छा खासा जो इधर पर आर्टिकल लिख सकते हो, उसको प्रमोट कर सकते हो, फिर बैकलिंक्स बना सकते हो। तो इधर पे देखो, सबसे पहले एक पोस्ट लिखने से पहले आपको अपना कीवर्ड चूज कर लेना है। एंड आपका कीवर्ड इधर पे टारगेटेड एफिलिएट प्रोडक्ट के लिए नहीं रहना चाहिए। जैसे कि टारगेटेड इधर पे कीवर्ड हो गया टॉप 10, टॉप 5, तो वैसे टाइप के जो कीवर्ड्स रहते हैं उन पे कॉम्पिटिशन ज़्यादा रहता है। आपको वैसे टाइप के कीवर्ड्स के ऊपर काम बिल्कुल भी नहीं करना है। आप इधर पे ऐसे टाइप के कीवर्ड्स ले सकते हो जो कि लोगों को हेल्प करते हैं, एंड लोगों को पता भी नहीं चलता कि कब उनने जो है एक एफिलिएट प्रोडक्ट खरीद लिया। जैसे कि आप देख सकते हो हाउ टू साउंड प्रूफ ए सनरूम, मतलब मैं इसमें तरीके बता रहा हूँ कि कैसे आप जो है साउंड प्रूफ बना सकते हो अपने सनरूम को, वो भी 5 तरीकों में। एंड उन 5 तरीकों में जो मैं इधर पे दे दे रहा हूँ एफिलिएट प्रोडक्ट्स, मतलब इधर से अच्छी खासी सेल्स निकल जा रही है, ठीक है। तो ये हो गया कि आपको कीवर्ड कैसे चूज़ करना है, और वो आराम से रैंक हो जाएगा, लोग उनको सर्च भी करते हैं, एंड आप भी खुद ऐसे टाइप के जो है क्वेश्चन कीवर्ड सर्च करते होंगे। अब देखो इधर पे आपको एक अच्छा खासा इंट्रोडक्शन देकर के स्टार्ट करना है। जैसे कि आप देख सकते हो इफ़ यू लिव वन ऑफ थोज स्टेट्स दैट गेट ब्यूटीफुल सनी वे, तो ऐसे करके आपको बहुत ही सिंपल सा देखने को मिल जा रहा है। तो एक अच्छे खासे फ्रेंडली जो है इंट्रोडक्शन से आप स्टार्ट करो, फिर इधर पे जो है आप सबहेडिंग के अंदर जो है अपना एक डाल सकते हो कीवर्ड। जैसे कि आप देख सकते हो टिप्स ऑन हाउ टू साउंड प्रूफ ए सनरूम, तो ऐसे करके और दो दो लाइन और तीन तीन लाइन के आपको पैराग्राफ्स देखने को मिल रहे होंगे, क्योंकि ये यूज़र को ज़्यादा पसंद आते हैं। उसको ऐसा नहीं लगता कि वो कुछ भी बोरिंग सा पढ़ रहा है, वरना लोग इधर पे हिस्ट्री टाइप में 10 10 लाइन्स का लिखते हैं। आपको दो दो तीन तीन लाइन का इधर पैराग्राफ्स जो है तैयार करना है। फिर इधर फिर से सब हेडिंग आ गया, और आपको सब हेडिंग के हिसाब से पूरी की पूरी चीज़ लिखनी है ताकि बंदा पढ़ सके कि कहाँ पर क्या है, ठीक है। आप जैसे कि इधर पे देख सकते हो, फिर इधर पे कारपेट पैड का एक एफिलेट लिंक आ गया, तो मैं खोल के दिखाया, तो जैसे कि आप देख सकते हो $44 का कमीशन मिल जाएगा। तो ऐसे करके आपको देखने को मिल रहा है। फिर इधर फिर से एक सबहेडिंग आ गया, पॉइंट्स आ गया, तो बंदे को आप पॉइंट्स देते रहो, सबहेडिंग देते रहो, ताकि वो आराम से पढ़े, बोर ना हो, और दो दो तीन तीन लाइन के पैराग्राफ्स होने चाहिए। क्योंकि आपने भी देखा हो कि इधर पे गूगल भी दो दो तीन तीन लाइन के पैराग्राफ्स को उठाता है और फीचर स्निपेट पे डालता है, तो इसलिए आपको इधर पे दो दो तीन तीन लाइन जो है देनी है। एंड फिर इधर पे आप देख सकते हो फिर से एफिलिएट लिंक वाली प्रोडक्ट आ गई, फिर इधर पे भी आ गई, तो ऐसे करके जो आपको देखने को मिल जा रहा है दो दो तीन तीन लाइन में जो है लिखा जा रहा है। अगर आप 10 लाइन का कुछ लिख रहे हो तो मैं आपको बोलूँगा सेपरेट करके दो दो लाइन में लिख दो, तो ज़्यादा सिंपल रहेगा। फिर इधर पर आप देख सकते हो यूज़ एक्योस्टिक सेलेंट ऑन योर विंडोज़, फिर ये देखो बहुत सिंपल है। फिर इधर पर भी एफिलिएट आ गया, तो ऐसे करके आपको देखने को मिल रहा है दो दो तीन तीन लाइन में, और सब हेडिंग के हिसाब से कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है, क्लीन लग रहा है। फिर इधर पर भी आ गया, तो देखो, और इधर पे अब जाकर के एक फ़ोटो आया, ठीक है। तो अब पूरा इंटरेस्ट हुआ, इंटरेस्ट के साथ जो ये पोस्ट पूरा एंड हो रहा है। जैसे कि आप देख सकते हो एंडिंग लाइन्स भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, तो एकदम क्लीन ये पोस्ट जो है लिखा गया है। तो जैसे कि मैंने आपको कहा था कि छोटी वीडियोज़ में मैं आपको समझा दूंगा ताकि आप जल्दी समझ सको, ज़्यादा टाइम भी आपका वेस्ट ना हो, कि ऐसे करके कीवर्ड फाइंड किया जाता है, ऐसे करके एक इंट्रोडक्शन स्टार्ट किया जाता है, ऐसे करके सबहेडिंग डाली जाती है, और दो दो तीन तीन लाइन के जो है पैराग्राफ्स को लिखा जाता है, पॉइंट दिया जाता है ताकि बंदे को समझ में आ सके, और ऐसे करके एफिलिएट लिंक्स डाली जाती है ताकि बंदा इजीली जो है चीज़ों को खरीद ले, पढ़ते हुए समझते हुए पॉइंट्स को देखते हुए सबहेडिंग्स को अच्छे से पढ़ते हुए, ठीक है। तो और ऐसे करके इमेज डाल दो, बहुत ही सिंपल सा ये बन जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करके हमारी इधर पे पोस्ट की बात होगी। फिर मैंने बात की थी कि हम पोस्ट को प्रमोट कैसे करेंगे, तो पोस्ट को प्रमोट करने के लिए इधर मैं यूज़ कर रहा हूँ मीडियम एंड क्वेरा। मीडियम एंड क्वेरा मैंने बहुत ज़्यादा यूज़ किया है, और साथ ही मैंने अपने वीडियोज़ में प्रूफ भी दिया है ये कितना ज़्यादा ट्रैफिक जो है मेरे को देखने को मिलता है, और कितना ज़्यादा ट्रैफिक जो है मेरे हर एक मीडियम अकाउंट पे आता है जब भी मैं उस पे कोई नया नीच जो है ट्राई करता हूँ। तो आप लोग भी इधर मीडियम ट्राई करो, क्योंकि मीडियम आराम से रैंक हो जाता है, इसकी अथॉरिटी बहुत ज़्यादा है। एंड क्वेरा ट्राई करो, क्वेरा पे बहुत ज़्यादा लोग हैं, एंड यहाँ पे जो है क्वेरा पे अगर आप इमेज के साथ आंसर करते हो तो आपको ट्रैफिक देखने को ज़रूर मिलेगा। एंड देखो इधर पर हमने बात कर ली प्रमोशन की, कि आप इधर पे इन दोनों वेबसाइट को प्रमोशन के लिए यूज़ कर सकते हो। जैसे आपका पोस्ट रेडी होगा वो रैंक होने के लिए थोड़ा टाइम लेगा, लेकिन उतने टाइम के अंदर आप ट्रैफिक क्वेरा और मीडियम से लेके आ सकते हो। उसके बाद आ जाता है इधर पे हमारा Web 2.0 बैकलिंक। तो Web 2.0 बैकलिंक बनाने के लिए जो है आप यूज़ कर सकते हो इधर पे ब्लॉगर को, ब्लॉगर हो गया जैसे कि वर्डप्रेस हो गया,
विक्स हो गया, तो इसमें आपको जो है फ्री के सब डोमेन्स मिल जाते हैं, जैसे कि wordpress.com, blogspot.com, wix.com, तो ऐसे करके जो आपको सब डोमेन मिलते हैं उसके आगे आप कुछ भी लिख दो एंड फिर उसमें जो है सेम वैसे ही टाइप के कुछ पोस्ट लिख दो और उसमें अपना बैकलिंक दे दो, तो उससे जो क्या होता है कि एक टाइप से वोट मिलता है, ठीक है, उस वेब पॉइंट टू बैकलिंक से गूगल को ऐसा लगता है कि कुछ वेबसाइट्स जो है इससे लिंक हो रही है, मतलब ये पोस्ट इंपॉर्टेंट है, अच्छी है, तो उसको जो है वो ज़्यादा पुश करता है, तो ऐसे करके आपकी उस पोस्ट को जो है जल्दी इधर पर रैंकिंग होने में जो है हेल्प मिल जाती है। तो ऐसे करके आपको सिंपल वे में काम करना है। मैंने जैसे ही कहा था कि आपका ज़्यादा टाइम दिखाऊंगा, आपको इजीली चीज़ जो समझा दूंगा, तो मैंने इधर पे समझा दी। तो ऐसे करके जो आपको सिंपल वे में काम करना है, बैकलिंक्स बनाना है, प्रमोशन करना है और आर्टिकल लिखना है और ऐसा हेल्पफुल सा कीवर्ड ढूंढना है, ठीक है। ऐसे टाइप का कीवर्ड ढूंढने के लिए आप जो है इधर पे कुछ कीवर्ड रिसर्चिंग टूल है उनका भी यूज़ कर सकते हो, नहीं तो गूगल पे खुद भी सर्च कर सकते हो। गूगल पे सर्च करना बहुत ही ज़्यादा इजी है, नहीं तो आप खुद भी अपने मन से जो है कॉमन कीवर्ड्स फाइंड कर सकते हो कि अगर मैं ऐसी चीज़ें चाहता तो मैं क्या इधर पे जो है सर्च करूंगा, ठीक है। तो एकदम सिंपल सा था जैसे कि मैंने आपको बताया। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। और एक और पार्ट आ रहा है जिसमें आपको बताऊंगा कि आप बहुत ही ज़्यादा अच्छे से जो है ट्रैफिक कैसे लेके आ सकते हो, और वो डेडिकेटेड वीडियो रहेगा मीडियम के ऊपर, और मीडियम से आप सेल्स कैसे जनरेट कर सकते हो।